Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास टेंथ के आठवां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का दूसरा सेट देखेंगे। इसके पहले हम लोग पहला सेट का वीडियो डाला था, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है 5 cos² 60° + 4 sec² 30° - tan² 45° / sin² 30° + cos² 30°। इसका मान निकालने के लिए कर रहा है, ये क्वेश्चन 2022 का एनुअल में देखिए पूछा हुआ। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 cos² 60, तो देखिए 5 cos 60 का मान होता है 1/2, तो हो जाएगा 1/2 का² प्लस 4 है, उसके बाद sec 30, तो sec 30 का मान होता है 2/√3 और इसका स्क्वायर है, माइनस tan² 45, तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का² 1/sin² 30 है प्लस cos² 30। देखिए sin² θ + cos² θ का फॉर्मूला क्या होता है, sin² θ + cos² θ = 1 होता है, यानी दोनों थीटा अगर बराबर हो तो sin² cos² का मान 1 होगा, तो इसका मान हो जाएगा 1। अब देखिए 5 × 1² 1 होगा, 4 हो जाएगा, प्लस देखिए 2² 4 और फिर 4 है तो 16 और √3² 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, नीचे में 1 नहीं लिखेंगे। अब इसको हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे, 4 और 3 का LCM 12 आ जाएगा, उसके बाद 5 × 3 = 15 हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे 4 से तो 16 × 64 हो जाएगा और -1 है तो 12 × 12 हो जाएगा। अब इसको हम लोग इसको जोड़ करके इसको घटाएंगे, तो देखिए 5 × 4 = 9 और 6 + 1 = 7 -12/12। अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 67/12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, सिद्ध करें कि sin² 4θ - cos² 4θ / sin² θ - cos² θ = 1। ये भी देखिए 2015 का एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए LHS से इसको लेते हैं, सिद्ध करना है तो LHS में क्या दिया हुआ है, sin² 4θ - cos² 4θ / sin² θ - cos² θ। अब क्या करते हैं कि ये जो देखिए sin² 4θ cos² 4θ, तो इसको हम लोग स्क्वायर में तोड़ते हैं, तो sin² θ² हो जाएगा, -cos² θ² 2^2 = 4 हो जाएगा, 2^2 = 4 हो जाएगा, बटा देखिए नीचे में sin² θ - cos² θ, इसको रहने देते हैं। अब ये देखिए ये पूरा sin² θ को ए मानेंगे, cos² θ को बी मानेंगे, तो ये a² - b² पर टूटेगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है a² - b² का a + b × a - b, ठीक है, तो a का जगह पर क्या है, यहाँ पर sin² θ, तो हो जाएगा sin² θ यानी a + b, तो b कौन है, cos² θ × a, a के जगह पर क्या है sin² θ, -b के जगह पर है cos² θ, फिर बटा करेंगे, बटा में देखिए क्या है sin² θ - cos² θ, तो लिखेंगे sin² θ - cos² θ। अब देखिए sin² θ - cos² θ ऊपर नीचे दोनों है, कट जाएगा, अब हो जाएगा sin² θ + cos² θ का वैल्यू 1 होता है, और यही 1 लाना था, ये RHS प्रूव्ड हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, सिद्ध करें कि sin² 6θ + cos² 6θ = 1 - 3 sin² θ × cos² θ, ये देखिए 2021 का एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग LHS से चलते हैं, LHS में दिया हुआ है sin² 6θ + cos² 6θ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर में लाते हैं, तो sin² θ³ हो जाएगा, 3 × 6 + cos² θ³ हो जाएगा।
अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, अब एक फॉर्मूला देखिए नोट कर लीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसको इस पे सेट करना है, ए किसको मानिएगा साइन स्क्वायर थीटा को, बी किसको मानिएगा कॉस स्क्वायर थीटा को। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद इंटू ए स्क्वायर, ए कौन है साइन स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर करिएगा तो थीटा हो जाएगा कितना, स्क्वायर हो जाएगा फोर, चूँकि स्क्वायर यहाँ है और स्क्वायर यहाँ है, प्लस बी स्क्वायर। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा पहले से फिर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, तो कॉस फोर थीटा माइनस ए बी, ए कौन है साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी कौन है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता, तो एक से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा, यानी साइन फोर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, माइनस इसको रहने देते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए एस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए और बी, और फिर है माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझिए ये जो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर है इसका मान कितना हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए और बी, और ये तो है ही। अब इसको देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता और एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा, माइनस देखिए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ दो है आगे में एक है, तो दो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही सिद्ध करना था, आर एच एस प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आठ में कहता है कि यदि कॉस ए इक्वल टू थ्री बाई फोर तो साइन ए और टेन बी का मान परिकलित कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए 2014 एनुअल में पूछा हुआ, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए चूँकि दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू तीन बटा चार, अब देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, और ये दिया हुआ है तीन बटा चार, यानी आधार है तीन और कर्ण कितना है चार है। तो अगर हम एक समकोण त्रिभुज ऐसा बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज ऐसा बनाते हैं, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी और इसका नाम सी रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉस ए ये दिया हुआ है, इसके सामने ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। तो अब इसके अनुसार देखिए आधार दिया हुआ है तीन, कर्ण दिया हुआ चार, तो हम लंब निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लोग लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इसीलिए अगर लंब करेंगे, लंब का मान रख देते हैं बी सी, तो बी सी इक्वल टू का देखिए स्क्वायर का उल्टा हो जाएगा रूट, और कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है चार, तो चार का स्क्वायर सोलह माइनस आधार कितना है नौ, तो हो जाएगा रूट में सात। अब इसीलिए हम यहाँ पर निकाल सकते हैं साइन ए, ठीक है साइन ए बराबर क्या होता है आधार लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो अब देखिए लंब कितना आ गया है, लंब आ गया है बी सी रूट सात, ये आ गया है रूट सात, तो रूट सात बटा और कर्ण कितना है चार, तो ये आ गया। उसके बाद निकालना था टेन बी का मान, टेन बी का मान, अब देखिए टेन बी पूछ रहा है तो ये कौन पूछ रहा है, तो इसके सामने ये हो जाएगा कर्ण, ये लंब और ये आधार, ठीक है। तो अब देखिए लंब बटा आधार, तो लंब कितना है रूट सात और आधार है तीन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सब्सक्राइब नाउ
एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।